हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया यूनिकॉर्न वर्सेस डोरेमोन कलेक्शन गाइस। और आज का वीडियो होने वाला है काफी अमेजिंग, और आज की वीडियो देखने में आपको 100% मजा आने वाला है। बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको यूनिकॉर्न कलेक्शन ज्यादा अच्छा लगा या फिर डोरेमोन कलेक्शन ज्यादा अच्छा लगा। इस वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का लिक्विड एंड सीक्वेंस वाला पेन, ये काफी अमेजिंग है। इस पेन में 200 में लिक्विड और सीक्वेंस मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात इसमें गाइस हमें एक बटन मिलता है। इस बटन को ऑन करते ही तो इस पेन के अंदर से लाइट जलने लगती है। जैसी लाइट जलती है ये देख सकते हैं यूनिकॉर्न का घोड़ा कितना सुंदर और कितना जबरदस्त लग रहा है। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी टिप कैसी है और पेन कैसा चलता है दोस्तों। तो टिप की बात करते हैं, टिप काफी पतली है और ये काफी जबरदस्त भी चलता है। चलो चला के देखते हैं। तो ये देख सकते हैं वीवी लिखा, और ये ब्लैक पेन है दोस्तों। जब मैं लिख रहा हूं तो ये देख सकते हो मेरे हाथ में कितना गुड लुकिंग लग रहा है पेन दोस्तों। और इस पेन को दोस्तों मैंने परचेज किया ओनली 40 रुपीज का। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारा एक यूनिकॉर्न की स्टेशनरी सेट गाइस। और ये काफी छोटी स्टेशनरी सेट है, काफी कलरफुल स्टेशनरी सेट है। केवल मैंने इसे 100 रुपीज का परचेज किया। चलो दिखाता हूं इसके अंदर गाइस हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कितनी चीजें मिलती है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इस स्टेशनरी सेट में सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों। तो बॉक्स से निकालते हैं और देखते हैं दोस्तों हमें क्या क्या चीजें मिलती है। सबसे पहले तो काउंट करते हैं इसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 4 5 6 आइटम मिलती है। तो सबसे पहले तो ये देख सकते हो इसमें मिलता है हमें काफी कलरफुल और काफी प्यारी एक यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स। देख सकते हो मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी कलरफुल ज्योमेट्री बॉक्स है। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते गाइस एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस हमें मिलती है 2 वुडन पेंसिल, वो भी अलग अलग कलर की, ये देख सकते हो और काफी अमेजिंग है। और सबसे अच्छी बात है इन दोनों पेंसिल के ऊपर यूनिकॉर्न की फोटो छपी है, और सबसे अच्छी बात है इन पेंसिल के पीछे गाइस हमें इरेजर भी मिल जाती है दोस्तों, काफी अमेजिंग। गोल्ड पेंसिल मिल जाती है, वुडन पेंसिल मिल जाती है। और क्या मिलता है इस सेट के अंदर, तो इस सेट में दोस्तों हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर, और रूलर देख सकते हो कितना कलरफुल है दोस्तों, काफी अमेजिंग। और देख सकते हो ये फ्लेक्सिबल दोस्तों रूलर है, और दोस्तों ये देखो दोनों साइड गाइस हमें रूलर मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। चलो साइड रखते हैं और क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं गाइस क्रियोन्स कलर यूनिकॉर्न के, अरे वाह काफी अमेजिंग। देखते हैं गाइस इसमें हमें कितने क्रियोन्स कलर मिलते हैं। तो टोटल गाइस हमें इसके अंदर मिलते हैं 6 क्रियोन्स कलर, ये देख सकते हो। कलर की क्वालिटी दोस्तों काफी जबरदस्त है। साइज की बात करते हैं, साइज भी काफी अच्छा है इन क्रियोन्स कलर का। और मोटाई की बात करें तो मोटाई भी ठीक ठाक है इन क्रियोन्स कलर के, और इन क्रियोन्स कलर के ऊपर भी दोस्तों यूनिकॉर्न की फोटो छपी है। और देखते हैं क्या मिलता है इस सेट में। तो इस सेट में गाइस हमें मिलता है एक गाइस शार्पनर, देख सकते हो काफी सुंदर सा शार्पनर मिल जाता है। और एक मिलता है हमें काफी सुंदर काफी प्यारी सी इरेजर यूनिकॉर्न की दोस्तों, देख सकते हो। तो इस स्टेशनरी सेट में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, मुझे तो सच बताऊं ये रूलर और ये पेंसिल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। सबसे अच्छा तो मुझे रूलर लगा, आपको क्या अच्छा लगा प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का काफी सुंदर और काफी प्यारा सा बुक साइज ज्योमेट्री बॉक्स, ये डोरेमोन का ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी सुंदर है। चलो ओपन करके देखते हैं इसमें दोस्तों हमें कितना स्पेस मिलता है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पुश लिखा है तो पुश के बटन को दबाएंगे, पुश के बटन को दबाते ही अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का मिलता है हमें। यहाँ देख सकते हो हमें काफी बड़ा एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है, साथ ही दोस्तों एक कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में 3 सेक्शन मिल जाते हैं, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। इसमें गाइस हम इरेजर या कुछ भी चीजें रख सकते हैं, और इस वाले सेक्शन में हम अपनी पेंसिल या कलर पेंसिल या कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है हमें इसमें व्हाइट बोर्ड मिल गया, और काफी बड़ा व्हाइट बोर्ड मिल गया, और व्हाइट बोर्ड पे वर्क करने के लिए दोस्तों इसमें मार्कर मिल गया प्लस डस्टर के साथ दोस्तों। और इसे बुकसेल ज्योमेट्री बॉक्स क्यों बोलते हैं, चलो मैं दिखाता हूं। तो इसके लॉक को ओपन करते हैं, यहां दोस्तों हमें 2 लॉक मिलता है। इस पे गाइस हम अपनी बुक को रख के काफी इजीली से स्टडी कर सकते हैं, और दोस्तों इस व्हाइट बोर्ड पे हम स्टडी करते करते अपना वर्क भी कर सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग ज्योमेट्री बॉक्स है, इसे बोलते हैं बुकसेल ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपको ये बुकसेल ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारा एक यूनिकॉर्न का दोस्तों 10 रिफिल वाला पेन, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त पेन है। और इस पेन में दोस्तों हमें टोटल 10 तरह के रिफिल मिलते हैं, और सारे अलग अलग कलर मिलते हैं। चलो मैं आपको दिखा दूं, तो इसमें सबसे पहले पर्पल मिल जाता है, येलो मिल जाता है, पिंक मिल जाता है, ब्लू मिल जाता है, ऑरेंज मिल जाता है, ब्लैक मिलता है, ग्रीन ब्लैक ये देख सकते हो, रेड स्काई ब्लू, इतने सारे तो कलर मिल जाते हैं। और इसे चलाते देखते कैसे चलते हैं। टिप की बात करते हैं तो टिप देख सकते हो काफी अमेजिंग टिप है, चलता कैसे ये देख सकते हो, पिंक कलर चलने लग गया। और इस टिप को बंद कैसे करेंगे, तो यूनिकॉर्न के
सर को दबाएंगे फिर ऑटोमेटिक रिफिल बंद हो जाएगी, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग है। और इस पेन को दोस्तों मैंने 40 रुपीज का परचेज किया। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की काफी सुंदर काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स, और ये है ना ग्लिटर और सीक्वेंस से भरी हुई ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी अमेजिंग है। और जब इस ज्योमेट्री बॉक्स के सीक्वेंस और ग्लिटर नीचे जाते हैं तो काफी गुड लुकिंग लगते हैं, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 400 रुपीज की परचेज करी है। चलो मैं दिखाता हूँ इसमें कितना स्पेस है और कितना स्टेशनरी आइटम आ जाता है। चलो दोस्तों ओपन करते हैं, और ये गोल ज्योमेट्री बॉक्स है, दोनों साइड से देख सकते हो पूरी गोल है ज्योमेट्री बॉक्स। चलो ओपन करते हैं। ओपन करते ही गाइस अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का, और इसमें गाइस हमें फ्रंट में एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है दोस्तों, और दो ढक्कन खोलने के लिए लॉक मिल जाता है। ढक्कन खोलते ही दोस्तों देख सकते हो इसके अंदर गाइस हमें मिलते हैं दो मार्कर दोस्तों, ये देख सकते हो। साथ ही गाइस एक कपड़ा मिल जाता है जिससे गाइस हम अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को साफ भी कर सकते हैं। और ये देखो दोस्तों इसके अंदर तो गाइस हमें मिला है कैलकुलेटर, अरे वाह काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त, और टच स्क्रीन वाला दोस्तों इसमें कैलकुलेटर मिल जाता है यार, ये देखो है ना काफी गजब काफी सुंदर यार। और यहाँ देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है, तो यहाँ देखो दोस्तों हमें एक मिरर भी मिल जाता है दोस्तों, काफी सुंदर सा मिरर मिल जाता है। नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारे स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दो मार्कर मिल गए दोस्तों। और चलो सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं। सेकंड ढक्कन को ओपन किया तो लॉक को ऊपर करेंगे तो ढक्कन ओपन हो जाएगा, और ये है गाइस एक ट्रांसपेरेंट कंपार्टमेंट दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी गहरा कंपार्टमेंट है। आपको दिखाता हूँ इसमें हमारा कितना सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो। मैंने दोनों पेन को काफी इजिली से रख भी दिया, मोटे मोटे पेनों को रखा फिर भी काफी इजिली से आ गए ये पेन इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। तो आपको ये गोल बोतल वाली दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का काफी सुंदर काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलते हैं कैलेंडर और काफी सारी चीजें मिलते हैं। चलो दिखाता हूँ, तो ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते ही गाइस कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 5 पेंसिल लॉक वाला लॉक मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग है दोस्तों। फ्रंट में हमें डोरेमोन की फोटो देखने को मिल जाती है, बैक साइड में भी दोस्तों हमें डोरेमोन की फोटो देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें मिलते हैं 1 2 3 4 5 बटन मिलते हैं, इन पांचों बटन को दबाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहले बटन को दबाते ही देख सकते हो एक शार्पनर ऊपर आ जाता है, यानी येलो बटन को दबाते ग्रीन बटन को दबाते यहां देख सकते हो कैलेंडर ऊपर आ जाता है, और यहां से डेट और डे को चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। और ये कैलेंडर वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, तीसरे बटन को दबाते यानी रेड बटन को दबाते एक छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है, इसके अंदर गाइस हम कुछ भी अपना स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। चलो पिंक बटन को दबाते हैं, पिंक बटन को दबाते यहां देख सकते हो हमें थर्मामीटर मिल जाता है जिससे गाइस हमारा रूम टेम्परेचर पता चलेगा दोस्तों। चलो पांचवे बटन को दबाते ये देखो हमारा कंपार्टमेंट नीचे से निकलता है दोस्तों, काफी अमेजिंग। जो कंपार्टमेंट दोस्तों हमें ढक्कन खोलने पे मिला था वही कंपार्टमेंट दोस्तों हमें पांचवे बटन को दबाने के बाद मिलता है दोस्तों, यानी सबसे अच्छी बात है हमें ढक्कन नहीं खोलना, बस बटन दबाना है और फिर कंपार्टमेंट बाहर, फिर जो भी स्टेशनरी आइटम निकालनी है वो निकाल के दोस्तों हम यूज कर सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। इसे बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। बैक साइड के ढक्कन ओपन किया तो काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों, और इसमें भी हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। और इस वाले कंपार्टमेंट में हमें मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट की फोटो भी छपी हुई है दोस्तों, यानी हम इसमें मैथमेटिक इंस्ट्रूमेंट सेट डाल सकते हैं यानी रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त है। आपको ये डोरेमोन की कैलेंडर वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की काफी सुंदर और काफी प्यारी सी डायरी है, देख सकते हो यूनिकॉर्न की डायरी है दोस्तों, और चारों तरफ फरी फट लगे, और फोटो देख सकते हो यूनिकॉर्न की कितनी जबरदस्त लग रही है दोस्तों इस डायरी के ऊपर। चलो अंदर की पेजेस की बात करते हैं और कितने पेजेस मिलते हैं ये भी देखते हैं। तो इस डायरी में दोस्तों हमें काफी सारे पेजेस मिल जाते हैं, ये देख सकते हो सिंपल व्हाइट पेज है, बट इसके ऊपर जो यूनिकॉर्न की फोटो छपी है ना ये वाकई में काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग है। और इस डायरी को दोस्तों मैंने 140 रुपीज की परचेज करी है दोस्तों। आपको ये यूनिकॉर्न की डायरी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास डोरेमोन का एक आर्ट सेट दोस्तों, ये काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है दोस्तों, और इसके ऊपर डोरेमोन की फोटो छपी है और चारों तरफ डोरेमोन की फोटो छपी है इस किट के ऊपर। और इस किट में गाइस हमें मिलते हैं टोटल गाइस हमें 46 पीसेस मिलेंगे। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कैसी चीजें मिलती है। तो ओपन किया तो ऊपर ही गाइस हमें मिलती है गाइस काफी अमेजिंग और काफी सुंदर वुडन कलर पेंसिल, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है ये कलर पेंसिल तो ट्रायंगुलर है यार, काफी जबरदस्त यार, देख सकते हो हमें ट्रायंगुलर कलर पेंसिल मिल गई इसके अंदर। साथ ही दोस्तों हमें एक शार्पनर मिल जाता है इस किट के अंदर। चलो और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है, देख सकते हो किस तरह ओपन होगी, ये देखो ओपन हुआ। सेकंड कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें इरेजर मिल जाते हैं, साथ ही गाइस स्केच मार्कर मिल जाते हैं, और टोटल गाइस हमें 6 स्केच मार्कर मिल जाते हैं दोस्तों, थोड़े से हल्की क्वालिटी के दोस्तों स्केच मार्कर मिलते हैं दोस्तों।
दोस्तों, एक छोटी सी इरेजर मिल जाती है दोस्तों। तीसरे कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तीसरे कंपार्टमेंट में वैक्स क्रियोन्स कलर मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों हमें गाइस इसमें शार्पनर भी मिल जाता है। वैक्स क्रियोन्स कलर भी ज्यादा खास नहीं है, सिंपल से है, बट क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है इन वैक्स क्रियोन्स कलर की। चौथे कंपार्टमेंट की बात करते हैं, फोर्थ कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें वाटर कलर केक का एक बॉक्स मिल जाता है दोस्तों। साथ ही गाइस इसमें एक ब्रश भी मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हो। और वाटर कलर केक की बात करते हैं कैसी क्वालिटी के दोस्तों, तो ये देख सकते हो काफी डल क्वालिटी के दोस्तों, ज्यादा अच्छी क्वालिटी के दोस्तों ये कलर आर्ट सेट नहीं है। तो प्लीज आप इस सेट को तो प्लीज मत खरीदना, मैंने खरीद के गलती कर दी, बट कोई बात नहीं दोस्तों, चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर, काफी प्यारी एक यूनिकॉर्न की तीन लॉक वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है। और ज्योमेट्री बॉक्स में तीन पासवर्ड मिलते हैं, विदाउट पासवर्ड ये कोई भी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन नहीं कर सकता। इसमें गाइस हमें नेविगेशन मिलता है, साथ ही दो बटन मिलते हैं। इन दोनों बटन का यूज देखते हैं, पहले बटन को दबाते हैं, देख सकते हो शार्पनर ऊपर आ जाता है दोस्तों। सेकंड बटन को दबाते छोटा सा कंपार्टमेंट बाहर आता है, जिसमें गाइस हम अपनी रेजर या कुछ भी चीजें रख सकते हैं। अब इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, तो लॉक में दोस्तों हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड क्या, पासवर्ड है 118, तो 1 को हम सेट कर लेंगे इस तरह, सेकंड 1 को भी सेट कर लेंगे दोस्तों, और फिर 8 को सेट कर लेंगे। फिर ऊपर वाले ढक्कन को खोलना है, तो ऊपर वाला ही लॉक का बटन दबाना पड़ेगा दोस्तों। बटन दबाया तो ऊपर वाला ढक्कन ओपन हो गया। इस वाले कंपार्टमेंट में हमें दो सेक्शन मिल जाते हैं, साथ ही गाइस हमें इसके अंदर मिलते हैं पेंसिल लॉक, 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, बैक साइड ढक्कन ओपन करने के लिए दोस्तों हमें सेकंड नीचे वाले बटन को दबाना पड़ेगा, फिर ये ढक्कन ओपन होगा। ढक्कन ओपन होते ही गाइस एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इस कंपार्टमेंट में हमें टेबल देखने को मिल जाती है दोस्तों। काफी गहरा कंपार्टमेंट है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। सो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन की काफी सुंदर, काफी प्यारी सी ज्योमेट्री बॉक्स। और इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें ऊपर तो देखते हो दो शार्पनर मिल गए, साथ ही गाइस नेविगेशन मिल जाता है। ढक्कन ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसमें एक कंपार्टमेंट मिलता है, और गाइस इसमें मिलता हमें एक एलईडी लाइट, और वाह काफी अमेजिंग है, देख सकते हो स्माइली वाली एलईडी लाइट मिल जाती है। रोशनी की बात करते हैं, रोशनी भी काफी अच्छी है इस लाइट की दोस्तों, एक लैंप मिल गया दोस्तों। साथ ही गाइस इसमें मिलता हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है, जिसमें गाइस हम अपनी पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों। इस ज्योमेट्री बॉक्स में हमें दो तो शार्पनर मिल गया, नेविगेशन मिल गया, साथ ही गाइस इसमें एलईडी लैंप मिल गया, साथ ही दोस्तों इसमें हमें मिल जाते हैं 5 पेंसिल लॉक जो कभी भी टूटेंगे नहीं, ऐसे पेंसिल लॉक मिलते हैं। चलो इसे बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो ये देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, जिसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न की काफी सुंदर, काफी प्यारी सी एक पजल वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो पजल मिलता है, और इस पजल के साथ दोस्तों हम अपने दोस्तों के साथ बैटल भी खेल सकते हैं। काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, पजल वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। और इस पजल वाली ज्योमेट्री बॉक्स में हमें पासवर्ड मिलता है, विदाउट पासवर्ड कोई भी इसका ढक्कन ओपन नहीं कर सकता है। पासवर्ड क्या है, 3 4 6 है, तो 3 को हम ऊपर करेंगे, 4 के लॉक को भी ऊपर करेंगे, 6 के लॉक को भी ऊपर करेंगे, फिर ऑन ऑफ का बटन है तो ऑन करेंगे, फिर ये ऑटोमेटिक ढक्कन ओपन हो जाएगा दोस्तों। ढक्कन ओपन हो गया, ढक्कन ओपन करते ही गाइस एक कंपार्टमेंट मिलता है, और इसमें गाइस हमें मिलता है एक काफी बड़ा पेंसिल लॉक, ये देख सकते हो काफी बड़ा पेंसिल लॉक मिल जाता है, जिसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 6 पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। स्पेस की बात करें, स्पेस काफी अच्छा है दोस्तों, जिसमें गाइस हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये पजल वाली ज्योमेट्री बॉक्स कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साइड तो नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन की दोस्तों पेंसिल पाउच, ये भी काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारी पेंसिल पाउच है दोस्तों। और इसमें स्पेस कितना, चलो दिखाता हूं। जिप ओपन करते हैं, जिप ओपन करते ही गाइस अंदर का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसमें गाइस हमें नेट वाला पॉकेट मिल जाता है, देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा, क्योंकि पॉकेट काफी बड़ी मिल जाती है। साथ ही गाइस सेकंड कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1 2 3 4 पॉकेट और मिल जाते हैं, जिसमें गाइस हम अपनी पेंसिल या पेन को लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों। काफी अच्छे पॉकेट है, जैसे मैं अपनी उंगली घुसा रहा हूं तो काफी इजीली से, और देख सकते हो कितना गहरा पॉकेट है दोस्तों, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। नीचे गाइस एक और कंपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें भी हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। ये डोरेमोन की पेंसिल पाउच है, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है, और ये 3D पेंसिल पाउच है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का स्टेशनरी सेट दोस्तों, ये काफी जबरदस्त है। और इस स्टेशनरी सेट में देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको डोरेमोन वाली स्टेशनरी सेट ज्यादा अच्छी लगी या फिर यूनिकॉर्न की स्टेशनरी सेट ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। तो बॉक्स से निकालता हूं दोस्तों स्टेशनरी सेट, और फिर दिखाता हूं आपको इसमें क्या क्या चीज मिलती है, और फिर काउंट भी करेंगे इसके अंदर दोस्तों हमें टोटल कितनी आइटम भी मिलती है दोस्तों। तो बोल लेते हैं बॉक्स से, ये देख सकते हो। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, इसके अंदर गाइस हमें मिलती है एक मेटल की
ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, जिसपे हाफ डोरेमोन की फोटो छपी है। बैक साइड में दोस्तों हमें कुछ भी नहीं मिलता, केवल डोरेमोन की फोटो और उनके दोस्तों की फोटो देखने को मिल जाती है दोस्तों, काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त। और ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही एक कंपार्टमेंट मिलता है। इसमें दोस्तों काफी अच्छे स्पेस है, काफी सारा हमारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। बैक साइड में जो दोस्तों की फोटो छपी है वाकई में काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके अंदर क्या चीज हमें मिलती है। वैसे इसके अंदर दोस्तों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम मिली थी और यूनिकॉर्न सेट में हमें 7 आइटम मिली थी। वैसे तो अभी तक यूनिकॉर्न जीत चुका है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। चलो पेंसिल देखते हैं, पेंसिल कैसी है। तो यहाँ दो पेंसिल मिल जाते हैं, दोनों पेंसिल पे दोस्तों डोरेमोन की फोटो छपी है और सेम पेंसिल मिल जाती है दोस्तों इसके अंदर। गोल पेंसिल है, साइज भी काफी ठीक ठाक है इस डोरेमोन पेंसिल की दोस्तों। और क्या मिलता है इसमें, तो इसमें गाइज हमें मिलते हैं ये देख सकते हो क्रेयॉन्स कलर डोरेमोन के, और वाह काफी अमेजिंग। ये देख सकते हो डोरेमोन के, ये देख सकते हो हमें क्रेयॉन्स कलर मिल गए और काफी अमेजिंग। और साइज की बात करें, साइज तो काफी अच्छे हैं इन क्रेयॉन्स कलर के, ये देख सकते हो छोटे भी क्रेयॉन्स कलर है दोस्तों, काफी गजब काफी सुंदर। टोटल गाइज हमें 6 क्रेयॉन्स कलर मिल जाते हैं, अलग अलग कलर के क्रेयॉन्स कलर मिल जाते हैं सेट के अंदर। और क्या मिलता है, तो इसमें गाइस हमें मिलता है एक 15 सेंटीमीटर का रूलर दोस्तों डोरेमोन का, और ये फ्लेक्सिबल रूलर नहीं है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल गया। और दोस्तों हमें क्या मिलता है, तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक इरेजर मिल जाती है दोस्तों, साथ ही दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक शार्पनर, ये देख सकते हो शार्पनर मिल जाता है, काफी अमेजिंग। ये आपको डोरेमोन का स्टेशनरी सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा एक गाइस यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच, काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारा पेंसिल पाउच है। और इसमें गाइस हमें मिलता है एक लॉक, ये देख सकते हो, जिससे गाइस हम अपनी कीचेन को इसके अंदर लॉक करके रख सकते हैं, फिर हमारी ये जिप कोई भी ओपन नहीं कर सकता है दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है, जिप को ओपन कर लेते हैं। जिप ओपन करते ही गाइस इसमें गाइस हमें अंदर से कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, और इसमें गाइस एक पॉकेट मिल जाता है हमें चैन वाला, ये देख सकते हो। साथ ही बीच वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 लॉक मिल जाते हैं, जिसके अंदर गाइस हम पेन या पेंसिल को लॉक करके रख सकते हैं। नीचे वाले कंपार्टमेंट की बात करें, नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, और इस कंपार्टमेंट में दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। गहराई काफी अच्छी है दोस्तों, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है और क्वालिटी दोस्तों काफी अच्छी है। और इतना बड़ा दोस्तों लॉक हमें किसी भी पेंसिल पाउच में नहीं मिलता है दोस्तों, और इस पेंसिल पाउच को मैंने 250 रुपीज की परचेज करी है। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी डोरेमोन की वॉच दोस्तों, काफी प्यारी वॉच है। चलो दिखाता हूँ सारी इंस्ट्रक्शन इसके पीछे दी है कि कैसे कैसे यूज होगी ये वॉच, तो निकाल लेते हैं। और ये देख सकते हो इसमें हमें मिलती है एक वॉच डोरेमोन की, काफी अमेजिंग। इसके स्टेप पे दोस्तों हमें डोरेमोन की फोटो छपी है, और ये देख सकते हो डोरेमोन काफी जबरदस्त। 3 बटन मिलते हैं, एक बटन को दबाते ही टाइम चेंज होता है, बीच वाले बटन को दबाते ही टाइम सेकंड चेंज होता है, और तीसरे बटन को दबाते ही यहाँ देख सकते हो लाइट जलनी चालू, और लाइट गोल गोल घूम रही है जो काफी अमेजिंग लग रही है, काफी जबरदस्त लग रही है दोस्तों, देख सकते हो है ना, काफी प्यारी। और इस वॉच को केवल मैंने परचेज करी 100 रुपीज की दोस्तों। आपको ये डोरेमोन की वॉच कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक डोरेमोन का पियानो वाली ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है। ओपन करते ही गाइस इसमें मिल जाता है हमें एक और छोटा पियानो वाला दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स, ये देख सकते हो ये भी डोरेमोन की ज्योमेट्री बॉक्स है। ढक्कन ओपन करते ही एक कंपार्टमेंट मिलता है दोस्तों, जिसके अंदर छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं हम दोस्तों, काफी गजब है गाइस। और ट्रे पे गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं, ट्रे हटाते हैं नीचे एक और कंपार्टमेंट है दोस्तों, इसमें भी हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है। चलो साइड रखता हूं, और क्या है दोस्तों हमारे पास। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गाइस यूनिकॉर्न का मैजिक ड्राइंग बुक, ये काफी सुंदर ड्राइंग बुक है, काफी प्यारी ड्राइंग बुक है, और इस ड्राइंग बुक को मैंने परचेज करी है 160 रुपीज की। चलो ओपन करके दिखाता हूं ये मैजिक ड्राइंग बुक कैसी है। तो इसमें गाइस हमें तो मिल जाते पेजेस 6-7 पेजेस मिल जाते हैं, और ये है गाइस प्लास्टिक के पेपर दोस्तों, देख सकते हो काफी अमेजिंग, जिससे ये इजिली से फटेंगे भी नहीं दोस्तों। और बैक साइड में हमें एक पॉकेट मिलता है, इस पॉकेट में दोस्तों हमें मिल जाते हैं स्केच मार्कर, ये देख सकते हो, अरे वाह काफी अमेजिंग, व्हाइट कलर का स्केच मार्कर भी मिल गया दोस्तों। चलो चलाते हैं और देखते हैं ये मैजिक ड्राइंग बुक कैसी है। तो मैजिक क्या है, तो वीवी के लिख लिया दोस्तों हमने, तो इसे छोड़ देंगे, थोड़ी देर बाद गाइस हम कपड़े से इसे मिटा देंगे, ये काफी इजीली से मिट भी जाएगा। चलो अगेन लिखते हैं वीवी के, और फिर मैं आपको मिटा के भी दिखाता हूं। तो हाथ में कुछ नहीं करा, हल्का सा पानी लगाना है, और फिर ये देख सकते हो पानी लगा लिया, फिर मिटाइए, ये काफी इजीली से मिट जाएगा, ये देख सकते हो, पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। हमने इस ड्राइंग बुक पे कुछ वर्क भी किया था, काफी अमेजिंग है, अभी तो मैंने हाथ यूज किया, आप कपड़ा भी यूज कर सकते हो गीला। तो आपको ये मैजिक ड्राइंग बुक कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था आज का कलेक्शन, आपको सबसे अच्छा कलेक्शन कौन सा लगा, यूनिकॉर्न का कलेक्शन ज्यादा अच्छा लगा, ये डोरेमोन का कलेक्शन अच्छा लगा, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे से कलेक्शन अच्छे से अनबॉक्सिंग वीडियो साथ, जब तक बाय बाय दोस्तों।